नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं पुरवैया जीएनए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी रिश्ते ऐसे बदल रहे हैं जिसे देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। महागठबंधन के अंदर जुबानी जंग और एनडीए में सीटों के बंटवारे पर खटपट इस बात के सबूत है। यहाँ राजनीति अपनी सहूलियत के हिसाब से की जा रही है। गठबंधन में रहते हुए नहीं रहने जैसी हरकतें हो रही हैं, साथ ही होते हुए भी उसके नहीं होने का एहसास कराया जा रहा है। मंजिल एक, रास्ते एक, और उस रास्ते पर पहुंचने के लिए कई दलों का गठबंधन भी एक है, लेकिन एक होते हुए भी मत एक नहीं है। पूरी राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजरने के बाद बिहार की सियासत किस रुख पर पहुंचेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहां निश्चित कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज बिहार की इसी सियासत का डीएनए टेस्ट करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पुरवैया डीएनए। बिहार में सिंहासन का संग्राम शुरू हो गया है। सीटों के बंटवारे के बाद अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर गठबंधन के घटक दलों के बीच माथापच्ची जारी है। सूत्रों से जो खबर है कि उसके मुताबिक एनडीए में एलजेपी और हम के बीच एक बार फिर तलवारें खींच गई हैं। इधर महागठबंधन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव नाराज बताए जा रहे हैं। गठबंधन के घटक दलों के बीच जिस तरह से खींचतान जारी है, उसके बाद सवाल ये है कि इतनी मत भिन्नता के साथ ये कैसे मैदान मारेंगे। पहले सीट शेयरिंग पर किचकिच, अब सीट सिलेक्शन पर सिर फुटा हुआ। बिहार में ये क्या हो रहा है? रूठने मनाने का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक को मनाया जाता है तो दूसरा रूठ जाता है। कहने को तो अपने सियासी विरोधियों को हराने के लिए समान विचारधारा के लोग एक हुए हैं, लेकिन लाख माथापच्ची करने के बाद बात बनते बनते बिगड़ रही है। एनडीए में ही देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर कभी मांझी रूठे, मांझी माने तो पासवान और चिराग रूठे, मांझी और चिराग माने तो कुशवाहा रूठे। रूठने मनाने के लंबे दौर के बाद जब सीटों के बंटवारे का मामला सुलझ गया, तो अब सीट सिलेक्शन को लेकर मारामारी हो रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो एलजेपी और आरएलएसपी ने आंखें दिखा दी, और एक बार फिर एलजेपी और हम के बीच सीटों के चयन पर तकरार की खबरें आ रही हैं। लड़कर लड़ेंगे मैदान, खुद निपटेंगे, विरोधियों को निपटाएंगे। बिहार में मोदी लहर को चुनौती दे रहे महागठबंधन में भी यही हाल है। यहां सीटों पर बंटवारा हुए 36 दिन हो गए हैं, लेकिन सीटों के चयन पर 100% बात बनने में अभी भी 36 का फेर बना हुआ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव मोरवा राघोपुर और अतरी के विधायक का टिकट कटने से नाराज हैं। वहीं खबर है कि 4 सीटों पर कांग्रेस की जिद के कारण महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, यानी यहां भी मत के लिए मत भिन्नता बरकरार है। अब देखने वाली बात यह है कि सियासी विरोधियों से दो दो हाथ करने को तैयार इन गठबंधन की गांठें खुलती हैं या बंधती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह लगातार बने हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास और पूछेंगे उनसे बिहार की सियासत से जुड़े वो तमाम सवाल, करेंगे उनका डीएनए टेस्ट कि इस बार सियासी पार्टियां क्या चाहती हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि बिहार की जनता इस बार क्या चाहती है। सरोज जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे यह है, लक्ष्य एक है सबका, चुनाव जीतना। इसके लिए दो बड़े गठबंधन मैदान में हैं, एक एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन सीट शेयरिंग से लेकर सीट के चयन तक गठबंधन के अंदर जो राजनीति हुई और हो रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए राहुल जी, आपने अपने सवालों का जवाब दे दिया है, खुद ही दे दिया है। आप जो आपने जो बात कही कि ये पूरी राजनीति सहूलियत की राजनीति के तहत हो रही है, ये जो गठबंधन बना है ये कोई वैचारिक बुनियाद पे ये खड़ा नहीं है। गठबंधन बना है या महागठबंधन बना है, इसका पूरा जो फलाफल है कि हम कैसे चुनाव जीत के आ जाएं विधानसभा,
लड़के मैदान मार लें, और ये इसमें कोई वैचारिक पृष्ठभूमि इसमें नहीं है, कोई वैचारिक आधार नहीं है। इसलिए जो किचकिच हो रहा है, जो भी लड़ाई हो रही है एक दूसरे के बीच में, उसका कारण यही है, इसकी बुनियाद में यही है, जो बात आप भी खुद बार बार बोल रहे हैं। बिल्कुल, यानी बुनियाद में ही है कि सियासत के शतरंज की चालें इस वक्त बिहार में बड़ी तेजी से चली जा रही हैं, और उसी के इर्द गिर्द घूम रही है बिहार की जनता की जो मजबूरियां हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी पेशानी पर जो बल पड़ा हुआ है, और बिहार की जनता क्या चाहती है, ये मुद्दे फिलहाल गौण दिख रहे हैं। हालांकि बिहार की जनता को रिझाने की कवायद हर सियासी दल कर रहा है। सरोज जी, पहले बात एनडीए की ही करते हैं। एनडीए में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है, और वो जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी, रालोसपा और हम को हैंडल कर रही है, क्या उससे इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी एक बड़ा पार्टनर है एनडीए में, और जो हमारे सूत्र कहते हैं कि बीजेपी ने जो भी आंतरिक सर्वे कराए हैं, वो प्रदेश के लेवल पर और दिल्ली के स्तर पर जो भी सर्वे हुए हैं, तो उसमें मोटे तौर पर ये एक अनुमान लगाया गया है कि 90 से 100 सीटें जो वर्तमान गठबंधन है एनडीए का, जो रामबिलास जी को लेके, मांझी जी को लेके और कुशवाहा जी को लेके और बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है, उसमें 90 से 100 सीटें उनकी कंफर्टेबल जोन में है। इसलिए बीजेपी का पहला प्रयास ये है कि इस 90 से 100 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के अपने उम्मीदवार हैं होने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसको लेकर नाराजगी पैदा हो गई है। जो सामाजिक और जातीय ताना बाना इस गठबंधन का है, उसमें ये 90 से 100 सीटें कंफर्टेबल जोन में है। इसलिए हर पार्टी, चाहे वो हम हो, लोजपा हो, रालोसपा हो या बीजेपी है, चाह रही है कि इन सीटों का ज़्यादा हिस्सा उसके खेमे में आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनके जीत के जाएं। असली लड़ाई यहीं पर फंसी हुई है। नहीं सरोज जी, बड़ा सवाल ये है कि सियासत तो पुरजोर तरीके से हो रही है, भले ही अंदर में ज्वालामुखी उफन रहा हो, लेकिन बाहर से उसको शांत रखने की कवायद दोनों ही तरफ है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ ये बड़ा, जिस तरह से इन्होंने गठबंधन किया है, बीजेपी, रालोसपा और एलजेपी ने और हमने, ये लोग भी लगातार चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से एकता बना के रखी जाए। लेकिन बीजेपी सहयोगियों के इन नखरों को आखिरकार क्यों सह रही है? क्या ये बीजेपी की मजबूरी है? राहुल जी, मैंने ये कहा ना कि जो 90 से 100 सीटें इस गठबंधन में कंफर्टेबल जोन में आ रही है, इसलिए बीजेपी उस सीटों के लिए अपने सहयोगियों पर दबाव दे रही है। बीजेपी चाहती है कि उन सीटों का ज़्यादा हिस्सा उसके खेमे में आए, और दूसरी सहयोगी पार्टी चाहती है कि उन सीटों का ज़्यादा खेमा उनके पास आए। जहाँ तक आपका सवाल था कि ये जनता के बीच, तो इनको मैसेज देना है कि हम एक हैं, हमारा जो जातीय समीकरण बना है, जो वोट बैंक बना है, अलग अलग जातियों का, आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव उसी गठबंधन पर लड़ा रहा है, जातीय समीकरण के आधार पर लड़ा जा रहा है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे गठबंधन। तो एक जो सामूहिक वोट बैंक बनता है एनडीए का, उसका फायदा किसको ज़्यादा मिलेगा, लड़ाई वहाँ पर फंस रही है और बीजेपी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है सरोज जी, कि आपने कहा कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश कर रही है, तो क्या उसके सहयोगी दल कम हैं? क्या उनकी तरफ से सियासत नहीं हो रही है? जिस तरह से रूठने और मनाने का सिलसिला लगातार जारी है, सबसे पहले पासवान रूठे थे, उनको मनाया गया, उसके बाद मांझी रूठे, उनको मनाया गया, कुशवाहा रूठ गए, उनको मनाने की कवायद चल रही है, और काहे बगाहे हमने तो फरमान जारी कर दिया है कि अगर कुछ चुनिंदा सीटें हमको नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में वो लोक जनशक्ति पार्टी के अगेंस्ट ही उम्मीदवार उतार देगा। नहीं नहीं, इसका कारण देखिए, इसको दो दो भागों में बांट के देखना पड़ेगा आपको राहुल जी। पहली जो लड़ाई थी वो है कि किसके पाले में कितनी सीटें आए, उसमें एक अंतर विरोध था कि हम लोजपा से बड़ा है, लोजपा रालोसपा से बड़ा है, या रालोसपा लोजपा से बड़ा है, किसको कितनी संख्या मिलेगी, उसका एक सीधा संदेश वोटरों के पास जाता है। इसलिए सहयोगी दलों का ये पहला प्रयास था कि हम जितनी ज़्यादा सीटें लेंगे, हमारी क्षेत्र में हमारी मौजूदगी और हमारा दावा और जनता के बीच मेरा मजबूत संदेश उतना जाएगा। इसलिए पहली लड़ाई का पटाक्षेप हो चुका है, अब जो दूसरी लड़ाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीतने वाली सीटों को हम लें, उसकी लड़ाई हो रही है। अब जैसे आपने जीतन राम मांझी का एक बयान सुनाया कि भाई अगर लोजपा हमारी सीटों पर दखल देगा या दोस्ताना संघर्ष की कोई स्थिति पैदा होगी, तो हम लोजपा के सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जहां से चिराग पासवान सांसद हैं, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती है। अब उनकी आशंका है, बेवजह की आशंका है
कि भाई अगर हम यहाँ से ज़्यादा एमएलए नहीं जीतेंगे तो हमको आगे की राजनीति में दिक्कत होगी, हम कैसे यहाँ राजनीति करेंगे। तो एक चीज़ गौर करने वाली बात है राहुल जी, जब चिराग पासवान जमुई संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने गए थे तो उस समय उनके गठबंधन का कोई एमएलए उनके क्षेत्र में नहीं था, फिर भी वो 70,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के आए थे। इसीलिए इस तरह के तर्कों को लेके उलझाया जा रहा है सीट शेयरिंग को लेके, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर पटाक्षेप हो रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आप हमारे सीटों को बाधित कर रहे हैं, आप मेरे सीटों को बाधित कर रहे हैं। लेकिन कमोबेश जो होना है वो भाजपा ने तय करके रखा है और भाजपा अपने फ्रेमवर्क में ही सीटों का बंटवारा करेगी और वही देखिएगा अंतिम रूप से वही माना जाएगा। चलिए इंतजार रहेगा उसका कि बीजेपी अंतिम फैसला क्या सुनाती है और ये उसके सहयोगी दलों को गवारा होता है या नहीं। लेकिन सरोज जी, एनडीए में मांझी और पासवान गाहे बगाहे आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। पहले देखिए, पासवान जी ने मांझी को अंडर ट्रायल कह दिया, फिर मांझी उनको चुनौती देते हैं, फिर दोनों साथ होने की बात करते हैं कि हम आपके बड़े भाई हैं और आप हमारे साथ हैं, हम आपकी कद्र करते हैं, आप हमारे से बड़े कद के नेता हैं, ये पासवान कह गए थे कुछ दिनों पहले। और अब फिर हम की ओर से धमकी दी जानी शुरू हो गई। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जमुई और चकाई सीट पर एलजेपी की लड़ने की सूरत में हम सभी सीटों पर एलजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कह रहा है। इस तरह का द्वंद अगर रहेगा, इल्यूजन की स्थिति रहेगी, तो सरोज जी क्या आपको नहीं लगता कि इससे एक बार की ही सही एनडीए बैकफुट पर आएगी? निश्चित तौर पर आपकी आशंका एकदम जायज है राहुल जी, कि अगर इस तरह के मैसेज को लेके अगर एनडीए चुनाव मैदान में जाता है तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर एनडीए को होगा। एनडीए को एक मजबूत ताकत के रूप में जनता के बीच जाना चाहिए। जहां तक आपने सवाल उठाया कि एक जो दलित राजनीति है और दलित का नेता कौन है सबसे बड़ा बिहार में, इसको सिद्ध करने की जो एक कवायद शुरू हुई है कि कौन ट्रायल में है, कौन अंडर ट्रायल में है, कौन दलितों का बड़ा नेता है, कौन छोटा है, तो स्वाभाविक तौर पर पहले एनडीए में रामविलास पासवान निर्विरोध दलितों के नेता थे जो जब से ये गठबंधन बना है। लेकिन जीतन राम मांझी के एंट्री के बाद निश्चित तौर पर है जो रामविलास जी और जीतन राम मांझी के बीच एक अप्रत्यक्ष रूप से कहिए कि परोक्ष रूप से एक मनमुटाव चल रहा है और बीच बीच में इसकी झलक बयानों में और कार्यों में दोनों में दिखेगा। और हमको लगता है जहां तक जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा ये फासला दोनों के बीच और घटने के बजाय ये दोनों बढ़ेगा। और जो आशंका आप जता रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे सीटों पर लोजपा और हम के दोस्ताना संघर्ष के परिदृश्य सामने आए, इस तरह की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कही है सरोज जी आपने कि संभावनाओं के बीच बिहार में सियासत गुल खिला रही है और बड़े ही संजीदा तरीके से सियासतदान बयान दे रहे हैं। लेकिन कुछ बहुत उलटफेर की स्थिति के कारण जनता ये समझ पाने में अक्षम हो रही है कि आखिरकार वो तुरंत ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं। कभी कोई नाराज होता है, कभी दूसरे दल के लोग नाराज होते हैं और कभी बड़े तबके के नेता वो नाराज हो जाते हैं। और बड़े कद के नेता जब नाराज होते हैं तो डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो जाती है। इस पर भी चर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल पुरवैया डीएनए में बड़ा सवाल ये है कि दोनों तरफ, दोनों गठबंधन के अंदर वॉर चल रहा है, स्टार वॉर की कवायद हो रही है। लेकिन अगर इस तरह से अंदर में ज्वालामुखी उफनते रहे तो कहीं इसका नुकसान दोनों ही गठबंधनों को न झेलना पड़ जाए। बहरहाल फैसला जो है वो तो बिहार की जनता सुनाएगी 8 नवंबर को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए और आज हम इस बात का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार के सियासत में हो क्या रहा है, किस तरह से एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों के ही अंदर दोनों के सियासी दल लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई हो रही है सीट की, लड़ाई हो रही है सीट बंटवारे की और लड़ाई हो रही है सिटिंग सीट की। इसके दूरगामी परिणाम होंगे या तुरंत ही उसके प्रभाव दिखेंगे, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि फिलहाल सियासत क्या गुल खिला रही है और बिहार की जनता इसे कैसे देख रही है। विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सरोज सिंह जी, सीधे चलेंगे एक बार फिर उनके पास। विरोध सरोज जी गठबंधन के अंदर ही नहीं हो रहा है, पार्टी के अंदर भी हो रहा है। जैसा मांझी ने देवेंद्र प्रसाद यादव की अगर बात करें, जो कि मांझी के साथ के जुड़े नेता बताए जाते थे, तो उन्होंने मांझी की पार्टी से नाता तोड़ लिया है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद पीरपैंती विधायक अमन पासवान भी नाराज हो गए।
जेडीयू में शरद यादव नाराज बताए जा रहे हैं। इस नाराजगी को आप किस तरह से देखते हैं? ये नाराजगी स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है कि जो अपने लोगों को टिकट नहीं दिला पाएंगे या जो अपनी सीट दोबारा नहीं ले पाएंगे वो नाराज होंगे। और चूंकि ये नाराज़गी होनी ही होनी है, क्योंकि बार बार हम लोग इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि ये चुनाव हो रहा है निश्चित तौर पर एक जिताऊ फार्मूले पर, कि जो जिसको जीतना है वही चुनाव लड़ेगा। ये एक परसेप्शन बनाया गया है कि हम टिकट उसी को देंगे जो जीत के चला आएगा। अब इसका क्या मापदंड है तो पार्टी आला कमान जानेगा, लेकिन जिस तरह से लोग नाराज हो रहे हैं, जिनके टिकट कट रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड से लेके राजद से लेके हम में अभी और भाजपा में भी बहुत सभी पार्टियों में ऐसा होगा। ये किसी एक पार्टी की बीमारी नहीं है, जैसे जैसे टिकटों का बंटवारा होगा सभी पार्टियों में ये बीमारी लगेगी। मतलब ज्वारभाटा की स्थिति भले ही अभी दिख रही हो, लेकिन टिकटों के बंटवारे के साथ और सीटों के ऐलान के फौरन बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। सीटों का ऐलान तो होना है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है जो आपसे पूछना भी चाहेंगे। एक तरफ एनडीए के बारे में हमने पूछ लिया, लेकिन क्या महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की ज्यादा चल रही है? मान लीजिए अगर इसमें थोड़ी ही सच्चाई है तो आप महागठबंधन के भविष्य को कहां देखते हैं सरोज जी? नहीं, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जो महागठबंधन है उसमें लालू यादव निश्चित तौर पर बड़े भाई की भूमिका में है और इसके पीछे उनका जनाधार है, उनका वोट बैंक है। और आप देख रहे हैं जब से नीतीश और लालू साथ आए हैं, हर एक कई मौक़ों पर ऐसा प्रतीत हुआ है और दिखाई पड़ा है कि लालू यादव ने सारी चीज़ों को अपने हिसाब से तय किया है। अब जैसे जैसे सीटों का बंटवारा हो रहा, आप देख रहे हैं कि जेडीयू जो अपनी जीती हुई सीटों का भी दावा नहीं कर रही है। आप देखिए कि जीतन राम मांझी के प्रकरण में जिन विधायकों ने तन मन से उनका साथ दिया, सब चीज़ त्याग, लोभ लालच का मोह त्याग दिया, पैसा मिल रहा था, मंत्री पद मिल रहा था, उसको त्याग के जो नीतीश कुमार के साथ रहे, वैसे विधायकों के भी टिकट कट रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि कितना प्रभाव लालू यादव का जेडीयू के ऊपर अभी है। तो क्या इसे तुष्टीकरण की राजनीति समझा जाए सरोज जी? जिस तरह की सियासत चल रही है, लगातार तमाम दल और उनके सियासतदान साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। मतलब जिसको जहां पर फर्स्ट चॉइस दिख रही है वो वहीं पर सेटल होना चाह रहा है। खबर यह है कि महागठबंधन में कांग्रेस भी 4 सीटों पर पेच फंसा रही है। इस चुनाव में आप कांग्रेस की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? नहीं, कांग्रेस के लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है ये चुनाव। कांग्रेस के लिए बहुत मौका है। कांग्रेस जिस तरह से 2 दशकों से बिहार की राजनीति से बाहर है, ये एक उसको मौका मिला है 40 सीटों के साथ कि वो अपने आप को बिहार के राजनीति में खुद को स्थापित कर ले, और ये उसके लिए अंतिम बड़ा मौका है। अगर इस मौके को वो चूकती है तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसा कि आपने कहा कि 4 सीटें पर पेच कांग्रेस फंसा रही है, कांग्रेस भी यही चाहती है कि जो 40 सीटें उसको मिली है उसमें से ज़्यादा सीटों पर उसके प्रत्याशी जीत के आए, ताकि आगे की राजनीति वो बिहार में कर सके, यूपी में कर सके और आसपास के राज्यों में कर सके। और जो कांग्रेस बिहार से करीब करीब आउट हो चुकी है उसको किसी तरह से यहां से स्थापित किया जाए, इसलिए कांग्रेस भी उतना ही दावा कर रही है। बिल्कुल, यानी कांग्रेस जो है साफ तौर पर सरोज जी आपकी बातों से ये झलक कर सामने आ रहा है कि कांग्रेस भी किसी भी तरह से अपना जनाधार बढ़ाने के मूड में है और डैमेज कंट्रोल की कवायद बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए करना चाहती है, ताकि 2017 में जब यूपी के विधानसभा चुनाव हो तो वहां पे भी अपनी मजबूती दिखाए और आगे के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से वो झंडा गाड़कर तैयार हो जाए। लेकिन क्या खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर साबित करने के लिए इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, आप क्या मानते हैं? स्वाभाविक है कि अब हर पार्टी अपने हिसाब से चीज़ों को देख रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले सीटों के लिए मारा मारी हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमको मिले, अब ज़्यादा से ज़्यादा जीतने वाली सीटें हमको मिले इसके लिए कवायद चल रही है, लड़ाई हो रही है, विद्रोह हो रहा है। अब एक बार जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा किसी भी तरह से, तो अब उस पर कैंपेन के लिए देखिए कितनी मारा मारी शुरू हो जाएगी, और जीतने के लिए तो सब महाभारत यहाँ बिहार में होने वाला है। इसलिए इसको जो आपने कहा तुष्टिकरण की नहीं, एक मजबूरी का गठबंधन है, एक मजबूरी का महागठबंधन है, और सभी अपने अपने तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। अब किसका किस्मत पलटता है, किसकी किस्मत साथ देती है, किसका भाग बदलता है, तो बिहार की जनता तय कर देगी। आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी किस्मत कितना साथ देती है। लेकिन सरोज जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिहार की जनता के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आजादी के बाद से लेकर अब तक सफल होना चाह रही है, कि उन मुद्दों पर सियासतदान खरा उतरें, उन कसौटियों पर सियासतदान खरा उतरें, क्या वो उतर पाएंगे? सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है, आपसे पूछेंगे। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये तमाम दल चाहते क्या हैं, एनडीए क्या चाहता है और महागठबंधन क्या चाहता है। सवाल का जवाब लेते हैं सरोज जी से ही, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 23 सितंबर तक नामांकन दाखिल करना है, लेकिन अब तक ना एनडीए में तस्वीर साफ हो पा रही है और ना ही महागठबंधन में कि कौन दल कहां से लड़ेगा। इस देरी से क्या संदेश जा रहा है सरोज जी? बहुत बुरा संदेश जा रहा है। जनता अब तो परेशान नहीं है, जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो भी परेशान है, हम पत्रकार परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं कि जितनी जल्दी हो इसका पटाक्षेप हो, उम्मीदवारों की घोषणा हो, मैदान में जाएं और जनता अपना फैसला सुनाए। और इससे बीच जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, महागठबंधन की ही बात करें तो उससे पहले दो सहयोगी दल छिटक गए, एनसीपी अलग हो गई और इसके बाद फौरन बाद समाजवादी पार्टी वो अलग हो गई। इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी आपसे जानेंगे और साथ ही आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछेंगे कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका देश की सियासत पर क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए राहुल जी, जैसा कि आपने कहा कि एक जो तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो गई, तो स्वाभाविक है कि जिनको टिकट नहीं मिलना है वो बैठने वाले नहीं हैं, वो अपना कहीं ना कहीं मुकाम खोजेंगे। और एक जो तीसरे मोर्चा जो धीरे धीरे बिहार में मजबूत हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है। और आप देखिएगा कि आने वाले एक दो दिनों में एक नेताओं की एक बड़ी फौज तीसरे मोर्चे की तरफ जाएगी और वहाँ उनके टिकट से चुनाव लड़ेगी। इसलिए ये मान के चलिए कि जो अब तक सोचा जा रहा था कि एक दो तरफा चुनाव बिहार में होने वाला है, वो चुनाव दो तरफा अब नहीं होगा और निश्चित तौर पर तीसरे मोर्चे की ताकत दिखाएगी और वो किसको नुकसान पहुंचाएगी ये आने वाला वक्त तय कर देगा। चलिए, उसका इंतजार हमें भी रहेगा, बिहार की जनता को भी रहेगा और इन सियासतदान को भी रहेगा। फिलहाल तो जिस तरह की परिस्थिति है उसमें महागठबंधन में भी कई तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, विरोधियों के पलड़े भारी दिख रहे हैं और एनडीए में भी खींचतान मची हुई है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त रहते, इसका इंतजार रहेगा और बिहार की जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा इंतजार इसका भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका स्टूडियो में आने के लिए और डीएनए टेस्ट करने के लिए इन तमाम दो महत्वपूर्ण गठबंधनों का, और साथ ही ये भी बताने के लिए कि बिहार की सियासत आगे क्या कुछ दिखाने वाली है। पुरवैया डीएनए में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।